जा रहा है, शिवसेना हिंद ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਅਪਤੀ ਹੈ? रणजीत बावे की असी इज्जत करने हैं कि वधिया सिंगर है, उसका कारण है कि पिछली सरकार के खिलाफ उन्हें स्टेज पर लाइव शो गाया जे च उन्हें सरेआम सरकार कहा कि चिट्टा सरकार बकांदी ने, जिदे कारण वो काफ़ी फेमस भी होया और क्रिटिसाइज भी उन्होंने किया गया। लेकिन जिस तरीके की हल्की लोकप्रियता हासिल करने वास्ते उन्हें हिंदू धर्म को टारगेट किया असी कभी बर्दाश्त नहीं करांगे। मैं दस देवां कि मेरा की कसूर नाम की उसकी एल्बम जिहड़ी है उहदे च भगवान शिव की जिथे उन्हें निंदा की है उत्थे ही साड़ी गौ माता की भी उन्हें निंदा की है और असी किसी अधिकार नहीं देवांगे कि वह साडे धर्म के विचों त्रुटियां कढे। अगर त्रुटियां कढे तां उन्हें इन्ना ही शौक है तो सब तो पहले वह अपने धर्म च त्रुटियां कढे, क्योंकि त्रुटियां हर धर्म च ने। अगर आप खामियां कढ़न त्याजिए तो खामियां हर धर्म च ने, लेकिन आप अपनी आस्था का केंद्र भगवान शिव और गौ माता किसी भी तरीका टारगेट नहीं किए कर देवे। मैं दस देव कि वालों गाया गया जोड़ा गाना है वह भी किसी ना किसी साजिश तहत गाया गया और इस माहौल जिस माहौल हर बंदा दुआ मंग रहा परमात्मा को कि यह जी करोना रूपी महामारी है इसे सानू बचा, उत्थे ही उसका भगवान शिव का निरादर करना और गौ माता के बारे गलत टिप्पणी करना वह असी कभी बर्दाश्त नहीं करांगे। शिवसेना हिंद पहल के आधार से उसके खिलाफ साड़ी हिंदुता भावना ठेस पहुंचाने का मुकदमा देरा दर्ज करावांगे और कोई माफी जी है उन्होंने नहीं देवांगे। असी दस दिए कि शिवसेना हिंद की मुहिम जी है यह कल ही चली है और अज सू पता लगा कि यह जरा गाना है उन्हें अपने एल्बम तो हटाता है, लेकिन और माफी मंगी है, लेकिन उन्होंने कोई माफी नहीं और कोई समझौता नहीं। हिंदुओं की भावना ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना साडा जरा उद्देश्य रहेगा।